हेलो पेरेंट्स, आज मैं आपको नाउन के बारे में बताऊंगी और आप किस तरीके से अपने बच्चों को नाउन की डेफिनेशन लर्न करा सकते हैं, कैसे कैसे एग्जांपल लेकर आप उनको अच्छे से याद कराएंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो ये जो डेफिनेशन है, बच्चों को अगर आप डायरेक्ट इसको लर्न कराते हैं तो क्या होगा, बच्चा बोर होने लगेगा और फर्स्ट क्लास में बच्चे इस तरह से सेंटेंस जल्दी से लर्न नहीं कर पाते। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, आप एक छोटी सी पिक्चर बनाइए। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्लावर बनाया है और यहाँ पे लीव्स बनाई हैं। तो इसमें क्या किया है मैंने, वही वर्ड्स जो डेफिनेशन के अंदर आते हैं, जैसे पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। अगर बच्चे को इस तरीके से आप पिक बनाकर देंगे और तब वो उसको लर्न करने की कोशिश करेगा तो उसको ये वर्ड्स आसानी से लर्न हो जाएंगे। तो इस पिक्चर की हेल्प से बच्चा आसानी से डेफिनेशन लर्न कर लेगा। जैसे कि डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि पर्सन किसको बोलते हैं, प्लेसेस क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं और थिंग्स क्या होती हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे जैसे बच्चों की पुरानी बुक्स होती हैं, आप उनकी पिक्चर्स कटिंग करके यहाँ पर लगा सकते हैं बच्चों को बताने के लिए कि इन सब में क्या डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पे जैसे मैन की पिक्चर लगाई है, ये पुलिसमैन हो गया, ये डॉक्टर, और ये गर्ल है जिसका नाम टीना है। यहाँ पे प्लेसेस दिल्ली, आगरा, मुंबई, जैसे ये ताजमहल है। तो बच्चों को इससे आइडेंटिफाई होगा कि प्लेसेस हम किसको बोलते हैं। उसके बाद एनिमल्स में हैन, कैट, फ्रॉग, तो ये एनिमल्स की कैटेगरी हो गई। और यहाँ पे हमारा थिंग्स हो गए, पेन, कॉम, यूटेंसिल्स, जो ज़्यादातर बच्चे घर में यूज़ करते हैं चीज़ें, उनकी पिक्स लगाई हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को अगर पिक बनाकर भी दे सकते हैं, और इस तरीके से आप जैसे मैंने बनाई है यहाँ पे चिपका कर पुरानी बुक में से, तो आप इस तरीके से भी बच्चों को याद करा सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों को इस तरीके से कुछ सेंटेंस बनाकर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई द नाउन्स, तो जैसे ये बच्चा सेंटेंस पढ़ेगा, द ताजमहल इज इन आगरा। तो यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, नाउन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से नाउन है। जैसे कि उसमें पिक्चर्स के थ्रू वो समझ चुका है कि नाउन क्या होते हैं, तो यहाँ पर फिर जैसे ताजमहल इज इन आगरा, तो ताजमहल क्या हो गया, नाउन हो गया, और आगरा ये भी नाउन हो गया। उसके बाद दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली नाउन हो गया, इंडिया नाउन। उसके बाद रवि इज प्लेइंग लूडो, तो रवि नेम हो गया हमारा, और लूडो थिंग हो गया। तो बच्चे को आप इस तरीके से सेंटेंस बना कर दीजिए और सेंटेंस में से बच्चा आइडेंटिफाई करेगा कौन कौन से नाउन्स हैं। जैसे टीना इज अ प्रेटी गर्ल, तो टीना नेम हो गया। तो इस तरीके से आप बच्चों को कराइए। नेक्स्ट आता है फाइंड ऑड वन नाउन। अब यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स मिलते जुलते लिखे हैं, उनमें से कुछ ऐसा है जो नाउन नहीं है। तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें पहले वर्ड को रीड करेंगे, उसके बाद जो उसको अलग लगेगा उसको वो राउंड अप कर देंगे या फिर टिक लगाएंगे। जैसे सिंगर, लॉयर, जज, हिम, तो हिम बिल्कुल अलग है, तो ये हमारा ऑड हो गया। उसके बाद कप, प्लेट, अलास, स्पून, फॉक, तो ये सारे यूटेंसिल्स के नाम हैं जो कि नाउन है। अलास बिल्कुल अलग नेम हो गया ये। उसके बाद बॉयज, बेबीज, गर्ल्स, मैन, स्विम, तो उसके बाद हम किस पे लगाएंगे, स्विम। उसके बाद आईज, ईयर्स, नोज, टीथ, ईट, तो ये सारे बॉडी पार्ट्स हो गए ये, ईट ये सबसे अलग हो गया। उसके बाद फ्रॉग, जंप, डियर, कैट, डॉग, तो इसमें क्या है अलग, ये सारे क्या है, एनिमल्स हैं, और ये जंप बिल्कुल अलग हो गया। तो इस तरीके से वो ऑड वन को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक ड्रॉ कर दिया है इमेज, पर उसमें यहाँ पे मैंने मिक्स नाउन डाल दिए हैं जिसमें पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग सारी कैटेगरीज हैं। बट बच्चे को आइडेंटिफाई करना है पर्सन क्या है, प्लेस क्या है, एनिमल क्या है और थिंग क्या है।
तो यहाँ पर बच्चा लाइन वाइज वर्ड्स को पढ़ेगा और फिर इस कैटेगरी में लिख देगा। जैसे फार्मर, फार्मर क्या है, पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है या थिंग है। पर्सन, फार्मर क्या है, पर्सन। उसके बाद टीचर, टीचर क्या है, टीचर भी पर्सन है। उसके बाद पार्क, पार्क क्या है, पार्क एक जगह है यानी प्लेस है। बियर, बियर क्या है, एक एनिमल है। प्लेट क्या है, थिंग है। उसके बाद मुंबई, मुंबई क्या है, हमारा प्लेस है। उसके बाद फ्रॉग, फ्रॉग क्या है, एनिमल है। डियर, क्रो, लाइन से एनिमल आ गए। उसके बाद दिल्ली, दिल्ली हमारा क्या है, प्लेस है। ग्लास ऑब्जेक्ट है, थिंग है। कप, ये भी थिंग हो गया। एग, थिंग हो गया। स्कूल, प्लेस। डक, एनिमल। केक, थिंग। मैन, पर्सन। गार्डन हो चुका है। उसके बाद बियर, गार्डन नहीं हुआ, गार्डन भी इसमें ही लिखेंगे हम, गार्डन पार्क हुआ था सॉरी। उसके बाद बियर, एनिमल। उसके बाद बैंक, प्लेस। फील्ड, प्लेस। तो इस तरीके से आप बच्चों को कराइए। यहाँ पे जैसे टीचर तो हो ही चुका, नर्स, वेल, एनिमल। तो जैसे मैंने आपको बताया, इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी करानी है तो बच्चा आसानी से समझ पाएगा पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। लास्ट आता है इसमें, मैंने एक एक्टिविटी बनाई है जिसमें मैंने एक प्लांट बनाया है। तो बच्चों को इस तरीके से आप नाउन दे सकते हैं और कुछ अलग वर्ड्स भी दे सकते हैं। बच्चे को आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से, मतलब कौन सा उसमें वर्ड नाउन है और क्या नाउन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उसमें बच्चों को आप गाइड कीजिए कि जो नाउन वर्ड्स हैं उनको आपको ग्रीन कलर फिल करना है और जो नाउन नहीं है उनको आपको ऑरेंज कलर फिल करना है। तो आप मतलब उनको पहले बता दीजिएगा कि कौन सा कलर फिल करना है, तो उसके बाद वो बच्चा फिल करेगा। काऊ है तो काऊ में ग्रीन कलर, डक ग्रीन कलर, लूडो ग्रीन कलर, इट ये नहीं, उसके बाद ये फ्रॉग ग्रीन कलर, डॉक्टर ग्रीन कलर, उसके बाद काइट ग्रीन कलर, डैली ग्रीन कलर, रवि, उसके बाद रवि ये नेम है, उसके बाद डियर ये नाउन है, पेन भी नाउन है और टीचर भी नाउन है। उसके बाद बच्चे को ऑरेंज कलर के लिए कि अदर जो बचे हैं जैसे इट, तो ऑरेंज इट हो गया, दिस, अंडर, यू, ऑफ, ये नाउन नहीं होते हैं तो इनको वो ऑरेंज कलर कर देंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कलर करने के बाद एक ये ब्यूटीफुल प्लांट की फॉर्म में तैयार हो चुका है और इसमें बच्चे ने ग्रीन और ऑरेंज कलर किए हैं, जिससे उसको ये आइडेंटिफाई हुआ है कि नाउन क्या है और अदर वर्ड्स जो हैं हमारे जो मिक्सअप हैं वो क्या है। तो इससे क्या होता है, एक तो बच्चा खुश हो गया, मतलब कोई भी चीज़ लर्न करने की कोशिश करता है, सीखता भी है, समझता भी है और उसको वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।